अब स्टार्ट। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दानिश व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये इतना दूर दूर क्यों आ रहा है? तो गाइस, अभी मैं सफाई वफाई करके बैठी हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बारिश हुई है सुबह, तो अभी धूप नहीं आ रही है, अबर हो रहा है और ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है। और ये देखिए अम्मू बैठे हुए हैं इधर। तो अम्मी बना रही हैं आज दाल भरी रोटी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो जो जो आगे होता रहेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी गाइस। बहुत बहुत दिनों में व्लॉग डाल रही हूँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से। क्योंकि आप लोग मेरा चैनल शेयर नहीं कर रहे हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैं भी व्लॉग बहुत दिनों में डाल रही हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाती हूँ घर का ही, कहीं जाते हैं नहीं रहे, तो घर में ही जो होगा वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो देखना। मेरी जबान बहुत ज़्यादा फिसल रही है गाइस, क्या करूँ। कैमरा सामने आते ही बोला ही नहीं जाता मेरे से। इतनी देर से तो प्रैक्टिस कर रही थी बोलने की, और फिर अब कैमरा सामने आते ही भूल गई सब कुछ। और ये देखो अम्मू को, ये ऐसे ही बैठा हुआ है, कपड़े नहीं बदल रहा, नहाने की कह रहा है, और मैं नहला नहीं रही हूँ। पानी ठंडा आ रहा है, बारिश हुई है, मौसम ठंडा है, तबीयत ख़राब हो जाएगी इसलिए। चलिए देखिए गाइस, हमने सफाई वफाई कर दी है, आज कपड़े भी धोए हैं बहुत सारे। ये हमारे भाई लेटे हुए हैं उधर, नमाज का अज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर ये जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। अम्मी और अमरीन नीचे हैं, और जब मौसम अच्छा होता है तो हम लोग इस विंडो को खोल देते हैं। अमरीन तक पहुँची तैयारी? मैंने आज रेसिपी शेयर करूँगी दाल भरी रोटी की, बहुत दिन से व्लॉग नहीं डाला ना इसलिए। तो ये हमारी भाभी हैं और ये हमारा घर है। ये एमू है, ये देखो एमू को। नहीं नहीं लाऊंगी, नो। ये देखिए सोफे का कवर चेंज कर दिया है, ये अम्मी दूसरा कवर लाई है, तो ये इस पे कवर कर दिया है। ये अच्छा लग रहा है, बल्कि पहले वाले से ज्यादा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। इसकी वजह से हमारी गली हो रही है गीली, ये हमारी गली है। मैं नीचे जा रही हूँ, तो इसमें क्या क्या मिलाया हमने चने की दाल के अंदर? गरम मसाला मिलाया गाइस, इसमें नमक, साबुत मिर्चे और लहसुन मिलाया है, और इसको बॉईल कर लिया है, और अब ये सिल पे पीस रही हैं, और फिर आगे का मैं अभी बाद में दिखाऊंगी आपको। ये पीस चुकी है, हमारे प्लांट्स हैं। अभी आगे का प्रोसेस अभी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, एमू को नहला दूं, फिर मैं नहा लूं, उसके बाद मैं नीचे जाके आगे का दिखा दूंगी। ये दाल पीस का, इसमें हरा मसाला और खटाई, प्याज हरी मिर्ची, हरा धनिया वगैरह ये सब इसमें डाला है चॉप करके, और अब ये इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब बाकी का क्या करोगी? मैं नहा कर आ चुकी हूँ, बाल तो धोए नहीं है, सिर्फ वैसे ही नहाई हुई हूँ, क्योंकि बोरिंग का पानी था और एकदम ठंडा आ रहा था, तो सर्दी भी लगने लगी है मेरे को बहुत ज़्यादा नहा कर। और ये एमू बहुत ज़िद्दी है, नहा कर ही मान गए एमू को। एमू नहा लिया है, और जैन के कारनामे देखो, जैन ने हमारा इस तुगरे का शीशा तोड़ दिया है बॉल मार कर। दिखाती हूँ, अमरीन अब पराठों की तैयारी कर रही हैं। ये इधर आटा है, इधर अम्मी ने वो भुड़ता ये खाने के लिए घी में भूना है, और पराठों का भुड़ता ये रहा, तो अभी मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनेंगे पराठे। लाइट खोलो, तवे पे बनाओगी? तो गाइस हमारे भाई की डिमांड है कि उल्टे तवे पे पराठे बनाएं, तो ये उल्टे तवे पे बना रही हैं। डबल उसके बनाओगी ना? हाँ। सही है। गाइस इस पे बन नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमने रख लिया है सीधा ही तवा। हमारी नानी बनाती थी ऐसे उल्टे तवे पे। हाँ।
भरो बल, 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 हाँ। वो वाली थोड़ी सी फट गई ना, अभी ऐसा ही रहेगी। चुका है हमारे तवे की हालत। नहीं, मैं अपने व्यूअर्स को सब कुछ दिखाती हूँ। गुलगुले, ये देखो इनकी एक और नई डिमांड आ गई गुलगुले खाने की। ये बस फरमाइशें करते रहते हैं यहाँ पर आकर। नहीं, अच्छे बनेंगे। थोड़ा छोटे पेड़े को बारीक बारीक बनाऊं। हाँ हाँ, है ना एमू? एमू भी खड़े हुए देख रहे हैं। एमू हर काम में हेल्प कराते हैं ना, इसलिए सीखते रहते हैं कौन सा काम कैसे होगा, है ना? ये डोसा बन गया, खा के देखो। एमू डोसा है, लग रहा है डोसा? क्रिस्पी बना है। हाँ, ये वाले तवे पे सही बन रहे हैं, इस पे ही बनाओ। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, नानी बनाती थी हमारी। बड़े बड़े तस्लीमा बनाती है। हाँ, तो तस्लीमा आंटी को ही बुला लेते हैं। हाँ। कहना दाल भरी रोटी बना दो हमारी। हाँ। देखो जैन को, जैन ये रोल नहीं बना के खाओ बेटा, ऐसे ही खा लो। गरम है, कैसा बनाए बताओ। देखो, पहले ये जैन चटनी वटनी कुछ नहीं खाता था, अब खाने लगा है चटनी। यस, मोबाइल लाके देना एमो। नहीं 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 नहीं, रोल नहीं बनाओ, ऐसे ही खाओ। गाइस, मैंने इसे रोल बना दिया है, जैन अब खाओ। इधर दस्तरखान बिछा देता, इधर से खाओ। चलो एमो, आप खाओ, खा के बताना। अच्छा बना है? अच्छा बना है? ब्लैक फोल्ड करो। अभी एमो और जैन खा रहे हैं, अभी आसिम भी नमाज पढ़ के आ जाएगा, तो फिर मैं भी खाऊंगी। और अभी अम्मी नमाज पढ़ने जा रही हैं। और आज मौसम अच्छा हो रहा था, तो इसलिए आसिम की डिमांड थी कि दाल भरी रोटी बनाओ। हमारी नानी बहुत अच्छी बनाती थी, उल्टे तब खाना खाओ जल्दी से, पेट भर के बहुत सारा। जैन वॉल्यूम कम कर मोबाइल की। चलो गाइस, जैन ने खाना खा लिया है, इधर एमू खाना खा रहे हैं और इधर मैं भी खा लेती हूँ। अचार तो दो अम्मी, अचार। ये मैं अपने लिए भुर्ता लाई हूँ, ये चटनी है, ये अचार है और ये रहे पराठे। तो मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। मजे के बने, जोड़नी चाहिए लेकिन। मैं खाना खा चुकी हूँ और खाना बहुत ही यम्मी बना था, एक नंबर। खाना खा रही है अमरीन, मम्मा नमाज पढ़ रही हैं, इधर एमुजैन बैठे हुए हैं। अभी आसिम और अम्मी के लिए पराठे बनेंगे, तो अभी ऐसे ही बिखरा हुआ है। मुझे बनाना है बच्चों के लिए अजवाइन का पानी। मैं एमू और जैन के लिए थोड़ा सा अजवाइन का पानी पका रही हूँ, क्योंकि इन दोनों को नज़ला और खांसी हो रहा है। एमू, सर तो अपना तुमने उसके अंदर ही डाल दिया, तो इसलिए मैं इन्हें बना के दे रही हूँ। मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी बाद में। अब मम्मी आ चुकी हैं उल्टे तवे पे बनाने के लिए पराठे। सही आ रही है वीडियो, अभी ऐसी आ रही थी लाइनिंग। आ गए आसिम मामू, आसिम मामू की वजह से तो उल्टे तवे पे बना रही है नानी। जल्दी नमाज पढ़ के आ गए, तो तुम पढ़ के तो आते, सब चले गए थे तो जाने देते। अच्छा ठीक, जाने दे, नहीं।
हाथी मार चुका है गाइस। अब आए हैं ये मोहम्मद और अभी अभी पोलियो की दवाई पी है इन्होंने। मोहम्मद की हो रही है तबीयत खराब। मोहम्मद सही बन रहा है ना? रुक जाओ बेचारा। गाइस देखो ये अब सही बना है। उस अमरीन का तो चिपक गया था तवे के ऊपर ही। पता प्याज कौन खाता है पागल। इधर आसिम के लिए दस्तरखान लग रहा है ना। आसिम को प्याज तो दो, ये प्याज खाएगा। मोहम्मद मोहम्मद माशाल्लाह वो कह रहा माशाल्लाह। बच्चियां सिपारा पढ़ने जा रही हैं। तो ये पी रहे हैं अजवाइन का पानी। लो आप भी पियो, गरम करके लाई हूँ। मोहम्मद आपने मार दिया भाई को। मोहम्मद मोहम्मद आओ। मोहम्मद अप्पो बोलो। अप्पो चपटे हो। मोहम्मद मोहम्मद चपटू। ये देखो इसे भी फोन चाहिए। गाइस मैं खाना खाने के बाद सो गई थी, अभी उठी हूँ और अब मैं अपनी पप्पी के घर जा रही हूँ, इसलिए रेडी हुई हूँ। अभी कानों में टॉप्स वगैरह पहनती हूँ। पहले मैं सोच रही थी दानिया के घर जाने की, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। अब मैं अपनी फूफी के यहाँ जा रही हूँ, कलवल जाऊँगी दानिया के यहाँ। तो अभी मिलती हूँ। ये रहे अमू रेडी होके खड़े हैं। ये उमर का है गाइस, ये मैं लगा लेती हूँ चुपके से। मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, अर्ज कर रहा हूँ। पाया मंगाया तुमने? पाया भाभी इतनी सुस्त है गाइस। ये देखो अभी तक इन्होंने बुरखा भी नहीं पहना। इधर मैं रेडी होके खड़ी हूँ और ये अभी बुरखा निकालेंगी फिर पहनेंगी। और इधर मोहम्मद रेडी हो चुके हैं। इसे कैप वेप तो पहनाओ, कैप पहनाओ, सैंडल पहनाओ। इधर हम लोग जा रहे हैं। हमारे घर में मेंढक आ गया है बारिश की वजह से, इसलिए हमने बाहर से बच्चों को बुलाया है पकड़ने के लिए। पकड़ लिया, दिखाइयो दिखाइयो कैसा होता है। जा 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 जा। अब तू क्या करेगी इसका? गाइस तो हमने रिक्शा कर लिया और ये देखिए खेत। और मौसम, हम लोग पहुंच चुके हैं और अब हमें इस पहाड़ से नीचे उतरना है। अभी इनकी गली नहीं बनी, तो अभी इनकी गली नहीं बनी है। ये देख सकते हैं आप कैसी टूटी फूटी इनकी गली है, आगे से बनी हुई है। आ चुकी हूँ अपनी फूफी के यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। गाइस देखो इनकी खिड़की में से खेत दिख रहा है। ये हमारे बिजनेसमैन भाई बैठे हुए हैं। जिनसे मैं बात नहीं कर रहा था, आते में नहीं मिले थे सफेद दाढ़ी वाले, बहुत अच्छे साथी। आ रहा है यार, चलो, चलो। आप घर के गेट पे क्यों बैठे हुए हो? क्या गार्ड हो, वॉचमैन हो? अंदर आके बैठो, आप ही का घर है। अरे आप ही का घर है। गए हमारी फूफी प्यारी सी मैंगो शेक बना के लाएंगे ठंडा ठंडा। आ चुका है जैनू। जैनू जैनू आप आ गए ना, क्या खा कर आए हो बताओ? और गुलगुले खा कर आया है जैन। नानी तुम्हारे लिए बना के रख के आई थी। ठीक है, तुम्हारी पटाखों के साथ ही दावत होगी भाई। पटाखों के साथ दावत होगी तो हम आएंगे भाई। हाँ जरूर, ठीक है। उनकी गली है वैसे, हमारी करना बराबर का। ये देखो टॉफियां बांट रही हैं हमारी पुप्पी। ये देखो नाइट का व्यू। हमारी पुप्पी ने हमें रात के खाने के लिए रोक लिया है।
ये बना रही हैं पुलाव। आसिम को बहुत पसंद है पुलाव, तो इसलिए पुलाव बना रही हैं। ये इनका घर, एक रूम ये है, ये बाहर किचन है। क्यों लड़ रहे हो आप? और एक रूम ये है, अलमारी बनी हुई है। अभी गाइस मैं ऊपर जाऊंगी तो फिर ऊपर का भी दिखाऊंगी आपको। देखो कैसे गाड़ियों पे कब्जा कर लिया है। इधर हमारी फुप्पी खाना बना रही हैं। ये गाइस ये ऊपर का रूम है। लाइट खोल दे, लाइट खोल दे, लाइट से चमक रहा है। लाइट खोलती हूँ। माशाल्लाह वॉलपेपर तो अच्छा लग रहा है। वॉलपेपर अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? नहीं ड्राइंग की पसंद नहीं है। ये है इनके यूसुफ का रूम है ना? यूसुफ का रूम है ये वाला। ये इधर बेड बिछा रखा है, ये इधर विंडो है, उधर गैलरी है। पूरे कमरे में अच्छा लग रहा है वैसे। ये वाला वॉलपेपर भी अच्छा लग रहा है, गोल्डन वाला। देखो यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है। अच्छी हवा जो, तो इनका नीचे से ज्यादा ऊपर दिल लग रहा है। ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो गाइस मुझे इनका ये वाला रूम सबसे ज्यादा प्यारा लगा है। और अभी मैं इनकी दूसरी बहू का रूम दिखाती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? तो गाइस देखिए ये इनकी ही छोटी वाली बहू का रूम है। मुझे ऐसे फ्लावर पॉट बहुत पसंद है। मैं नया घर लूंगी ना, मैं भी ऐसे फ्लावर पॉट लगाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत प्यारा लग रहा है घर तो। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं ये वाले फ्लावर पॉट। उन्होंने अब ये लाइटिंग वगैरह जला दी है। ये तुम्हारी दो अलमारियां थी तुम्हारी? हाँ अमृत, ये दो अलमारियां थी तुम्हारी उसमें? अच्छा अच्छा, हाँ ये तो है बच्चों होने के बाद। इंशाल्लाह से यहाँ पे खाना बना रही हैं। और हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं और खुशबू ही खुशबू खुशबू ऊपर तक आ रही है तुम्हारे पुलाव की। ये शाफ्ट में गए, ये बनाया है पुलाव। तो मैं जैनू को खिला रही हूँ पहले। यस बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो गए यहाँ पे खाना लगने लगा है। ये आ चुका है गर्मा गर्म पुलाव, हमारे भाई का फेवरेट। इनको बहुत ज्यादा पसंद है, इनके कहने पे बनाया है। हमारी फुप्पी ने हमें बिरयानी पसंद है, इनको पुलाव पसंद है। देखो भतीजे की डिमांड पे बनाया है हमारी फुप्पी ने। और ये इधर लगा रही हैं दस्तरखान। तो हम खाना खा लें। देखिए कैसे धुएं निकल रहे हैं, गर्मा गर्म है। ये वाला आसिम के मुंह में जाता हुआ, अब सुभान अल्लाह का, सुभान अल्लाह की आवाज आने वाली है। माशाल्लाह। गाइस पहले मैं खाना खा लूं, उसके बाद में मिलती हूं। दाल भी तो उन्होंने खा ली, बेटा ने खाया, उन्होंने मीठा मीठा तोड़ना ना दूं उनको ना। मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने कपड़े वगैरह भी बदल लिए हैं। मैंने सोचा व्लॉग का एंड कर दूं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मैंने आज का सारा जो भी था, जो भी किया, जो भी करा, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग। ज़्यादातर मैं कहीं जाती हूँ जब भी बनाती हूँ, पर आज मैंने घर का भी व्लॉग बनाया और फुप्पी की आ गई वो भी दिखाया। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी व्लॉग लाऊँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे नए हो तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों के पास मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो गाइज़
आज का व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लाऊंगी। जब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए और खुश रहिए।